किड्स किन्नरी जनरलाइज बैक विद न्यू सेशन ऑफ लैंग्वेज टाइम। आज के हमारे सेशन में हम सीखेंगे हाउ टू राइट कैपिटल कर्सिव बी एंड स्मॉल कर्सिव बी। लेटर ए कैपिटल कर्सिव ए एंड कैपिटल स्मॉल कर्सिव ए हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, जिसके लिए हमने कुछ स्ट्रोक्स यूज किए थे, पैटर्न यूज की थी। उसके बाद हमने उस लेटर को किस तरह से लिखना है वो हमने लर्न किया था। टुडे आई एम इंट्रोड्यूसिंग नेक्स्ट लेटर, दैट इज कैपिटल कर्सिव बी एंड स्मॉल कर्सिव बी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल कर्सिव बी के लिए आई वुड लाइक टू क्लियर वन थिंग, दैट देयर इज नो नीड ऑफ एनी पर्टिकुलर स्ट्रोक और एनी पर्टिकुलर पैटर्न। किसी पैटर्न की हमें जरूरत नहीं है। व्हाई? बिकॉज वी नो वेरी वेल हाउ टू राइट सिंपल कैपिटल बी। हम हमारे फर्स्ट एबीसीडी जब लिखते हैं तब हमें कैपिटल बी किस तरह से लिखना है वो हमें बहुत अच्छे से आता है। लाइक दिस, इस तरह से हम हमारा कैपिटल बी लिखते हैं। ओके, सो देयर इज वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन कैपिटल बी एंड कैपिटल कर्सिव बी। दोनों के बीच में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। तो अगर ये हमारा बेस क्लियर है देन इट विल बी मोर इजी फॉर अस टू राइट कैपिटल कर्सिव बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ये किस तरह से हम लिखते हैं। हम टॉप लाइन को टच करके सेकेंड ब्लू लाइन तक पहले एक स्टैंडिंग लाइन हम ड्रॉ करेंगे एंड देन मेक टू हाफ सर्कल। दिस इज फर्स्ट सर्कल, दिस इज सेकेंड सर्कल। नाउ इट इज अवर कैपिटल बी। ओके, वन मोर टाइम, टॉप को टच करके एंड सेकेंड ब्लू लाइन को टच करके हम एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे एंड विल मेक टू हाफ सर्कल, वन सर्कल एंड टू सर्कल। ओके, इसी तरह से लिखते हैं हम कैपिटल बी। कर्सिव कैपिटल बी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाउ टू राइट, सबसे पहले हम एक थोड़ा सा स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और वो हम ड्रॉ करेंगे टॉप लाइन एंड फर्स्ट ब्लू लाइन के बीच में से। एंड रिमेंबर वन थिंग कि हमें जो स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है वो टॉप को टच नहीं करनी है। कैसे? लाइक दिस, इस तरह से हमने एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ की है। ऊपर टॉप और इस स्लैंटिंग लाइन के बीच में हमने थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ है। ओके, तो इतनी जगह हमें छोड़नी है। नाउ इस तरह से हमें एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट स्टेप, स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करने के बाद वी हैव टू मेक वन कर्व लाइक दिस। जैसे हम कैपिटल जे फॉर जॉकर लिखते हैं उसी तरह से एक छोटा सा कर्व हमें अंदर की तरफ लेना है एंड then we have to go up। इस तरह से हमें ऊपर की तरफ आना है और ये ऊपर की तरफ जाके अब ये हमारा कर्व टॉप को टच होना जरूरी है। ओके, तो इस तरह से हमने ये किया। नाउ स्टेप थ्री, गो डाउन, मेक अ कर्व, गो अपसाइड लाइक दिस। इस तरह से हम गए। अब हमें यहाँ पे जैसे हम हमारे कैपिटल बी में टू कर्व्स हम जिस तरह से लेते हैं हाफ सर्कल, दिस इज वन एंड दिस इज सेकेंड। ओके, सो इस तरह से हमने हमारा कर्सिव कैपिटल बी कंप्लीट किया। वन मोर टाइम, ओके, स्लैंटिंग लाइन, मेक अ स्मॉल कर्व, गो अप like this, one circle, second circle, okay? So children always remember कि आप जब भी कर्सिव पैटर्न लिख रहे हो, कर्सिव अल्फाबेट लिख रहे हो, तब there is no need to lift your pencil। maximum letters हमें pencil को बिना lift किए ही लिखना है। so I think I hope that it would be easy for you to write capital cursive B। okay, now let's proceed to our next letter, that is small b। you can see on the board this is small b, but before writing small b we have to learn one stroke ya one pattern। hame ek pattern ko learn karne ki zarurat hogi। so the pattern is like this। ye pattern ko agar hum use karenge then we will be able to write so many letters by using this pattern। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पैटर्न को हमें किस लाइन से स्टार्ट करना है, कहां पे एंड करना है। तो द पैटर्न विल स्टार्ट फ्रॉम बिटवीन टू ब्लू लाइंस, टू ब्लू लाइंस से हम इस पैटर्न को स्टार्ट करेंगे लाइक दिस।
यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, we'll go upside, टॉप तक जाना है, यहाँ से हमें एक कर्व लेना है, we have to go down like this, again go up, touch to top line, make a small curve, go down, again go up, make a small curve, go down, again go up, go down. इस तरह से इस पैटर्न को हमें इस तरह से कंप्लीट करना है. ओके, दिस पैटर्न विल हेल्प अस टू राइट लेटर बी. यही पैटर्न की अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो स्मॉल लेटर बी लिखना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा. ओके, तो अब हमें ये लेटर किस तरह से लिखना है, तो यहाँ पे हम बिटवीन टू लाइन्स ही इसे यूज करेंगे. जैसे हमने ये पैटर्न के लिए बिटवीन टू ब्लू लाइन्स हमने स्टार्ट किया था, वैसे बी ऑलमोस्ट हमारा बी हो चुका है, हमें बस थोड़ी सी प्रोसेस करने की जरूरत है. तो फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम बिटवीन टू लाइन्स, हम यहाँ से विल गो अप, थोड़ा सा क्रॉस लाइन इस तरह से हम ऊपर जाएंगे, देन यहाँ से कर्व, गो बैक, इस तरह से नीचे आएंगे, यहाँ पे ये टच होना चाहिए, यहां से इस तरह से कर्व लेना है, गो अप, इस तरह से हम ऊपर जाएंगे, अंदर एक कर्व और ये टेल इस तरह से हम बाहर निकालेंगे. ओके, जो बाहर निकाला हुआ शेप है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कर्सिव राइटिंग, यहीं से आप रनिंग लेटर को ज्वाइन करना सीख पाएंगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वन मोर टाइम, यहां से हम थोड़ा सा स्लैंट टिंग ऊपर की तरफ जाएंगे, यहां से कर्व, गो डाउन लाइक दिस, यहां पे हम और एक कर्व लेंगे ऊपर की तरफ, गो इनसाइड लाइक दिस एंड कम आउट, इस तरह से हम बाहर आ जाएंगे. ओके, तो ये स्टेप्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है. वन मोर टाइम, स्लैंटिंग हमें ऊपर जाना है, मेक अ स्मॉल कर्व इनसाइड, गो डाउन, मेक अ बिग कर्व, गो अप, गो इनसाइड, मेक अ स्मॉल सर्कल एंड कम आउट. ओके, सो दिस इज अवर स्मॉल बी. तो आज हमने कैपिटल बी एंड स्मॉल बी किस तरह से लिखना है, किस स्टेप्स को फॉलो करना है, किस स्ट्रोक्स को यूज करना है हमने सीखा. आई होप दोनों ही लेटर्स लिखना आप लोगों के लिए बहुत ही इजी होगा. कीप प्रैक्टिसिंग. राणी सेंटर से जो भी आपको नोट प्रोवाइडेड होगी, वहां से जो भी नोट आपको प्रोवाइड होगी उसमें पैटर्न के साथ बहुत ही सिस्टमेटिक आपको ये वर्क करके दिया होगा. सो यू हैव टू कंप्लीट द वर्क. कीप वॉचिंग अवर वीडियोज ऑन यूट्यूब. थैंक यू.